साले जब से तेरा दोबड़ा देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मेरे पे भरोसा नहीं तो हमारा 5034 रुपए हमको दे दो और हमको छोड़ दो। ड्राइवर है, ए ड्राइवर, तेरे को बोला ना डिक्की में से पैसा निकाल के अंदर रख। ए चुप्पे, ये आपको चुप्पे बोला? मेरे बाप समान है वो, 5 साल का था तब से पाल पोस के बड़ा किया उसने मुझे, तब से मेरा ड्राइवर है वो। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाए तो कितना बचेगा अपने पास? 360 हिस्सा बराबर याद रखते हो? 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 30 जन हिस्सा कर लेंगे। हाँ। और ये शेयर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। वो सब बात ठीक है लेकिन इसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अरे कौन सी सजा, कैसी सजा? अच्छा भूल गया, वो सेठ जी नागपुर के अंदर जो शो हुआ था उसके अंदर वो ऑर्गेनाइजर की बेटी थी, उसको मैंने भैंस बुलाया था तो मुझे बर्तन मारने की सजा मिली थी जबकि मैंने बुलाया भी नहीं था, और इसने तो किया है, इसको कम से कम कपड़े धोने की सजा तो मिलनी चाहिए। क्या तेरा नाम होगा? ताड़पत्री। लेकिन तू अभी बोला ना तेरा नाम छोटा छत्री है। अरे तूने बोला ना ताड़पत्री तो मैंने भी बोला ताड़पत्री। कोई कुछ भी बोले भाई, तू अपना नाम चेंज मत करो, तू उसको फिक्स ही रख, इधर बाद में बहुत गड़बड़ होता है, तू समझा ना काजू कतरी। आजा संडास दिखा दो। कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के बैठ, या गाना गा? तुमको गाना गाना आता है? नहीं तो सीखना पड़ेगा, अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। क्यों अंदर कहाँ से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहाँ से। मालूम नहीं तेरे को? तेरे को मालूम नहीं सच? लेकिन हमको मालूम है, अगर हम मर भी गए ना तब भी ये चिंदी चोर ना हमारे कफन के लिए पैसे नहीं देगा। मालूम नहीं तेरे को? अंदर से आवाज आ रही थी, एक मर्द की आवाज आ रही थी। हाँ। मैंने अपने कानों से देखा। हे राम, कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? सेठ जी, सेठ जी कितना गंदा आदमी है, अपना नाम बचाने के लिए मुन्नी का नाम खराब कर रहा है। सेठ जी पूछो उसको कितना झूठ बोल। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया देके जाऊंगा। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। बचाओ क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। किसने मुझे बहुत मारने की कोशिश की? क्या? अरे बहना, मैं तो तेरी बहादुरी चेक कर रहा था। तू बहना की बहादुरी बाथरूम में चेक करेगा? अरे दांत का माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा? इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। वो आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी मिला और तुमसे प्यार कर बैठा। खोजता हूँ अपने आप को कि क्यों मैं तुमसे मिल। अपना सामान उठा अंदर जा, जा। अगर ये अंदर जाएगा तो मैं घर के बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, तू जा सकता है, जा। अरे आप उसको अंदर रखने के लिए इतना बेताब क्यों है? वो फोकट में नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा। ये तू अपना सामान उठा अंदर जा। ठीक है तो उसका किराया मैं दे दूंगा। देवा 2 साल में फूटी कौड़ी नहीं दी। हम अपने कस्टमर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। नहीं दे सकते मतलब नहीं दे सकते, ये हमारे होटल के रूल के खिलाफ। नहीं रूल गया भाड़ में, ये यहाँ आई थी इसके साथ, गई दूसरे के साथ, हमें लगता है अब तीसरे। जब्बा 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 देखो क्या बोला, इसको सुपर चाहिए, ये बहरा के साथ घूमता भी है। तो पैसा है तेरे पास? नहीं। तो और सुख का पैसे के तेरे बाप देगा? ऐसा जबा जबा करता है, दबा दबा के खाता है, और सब ये मतलब का सवाल मत पूछ उसको। साला खा खा के सांड जैसा हो गया मुका पता। ए किधर से आया तू, तेरा घर किधर है? अरे इशारे की भाषा में पूछो मालिक। तो तू पूछ उसको कि तेरा घर बार का पूछ। ठीक है, तेरा घर बार, तेरा घर बार किधर है? वो भाग कहां से आया? महिला, वो आदमी ने अच्छा थोड़ा खा के मेरी तरफ फेंका, मुझे लगा सीताफल है यार, मेरे को नहीं पता। वो भागुन, मुझे क्यों पूछा, मुझे क्या मालूम? तो किससे पूछो यार? उसको जाके पूछ जिसने बम फेंका, उसको पूछ। यार हम एक काम करते, हम सीधे इंडिया भाग जाते हैं यार। जाएंगे कैसे? पासपोर्ट किसके पास है? पासपोर्ट तो पुलिस के पास है। अच्छा एक बात बता, अगर हम लोग रेलवे का ट्रैक पकड़कर सीधा इंडिया भागना शुरू करें तो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा, क्या अंदाजा बता बता। तेरी बेटी है? मेरी बहन की बेटी है, 5 साल की है। बोलना क्या खबर, बोलना। जब तक हम हिंदुस्तान पहुंचेंगे तब तक तेरी बहन की बेटी की पोती की शादी हो चुकी होगी। अरे यार तो फिर रास्ते में तो तोहफा लेके जाना पड़ेगा। हाँ तोहफा ले लेते। अरे चुप रहो, हमेशा उल्टा सीधा। लेकिन अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझे? नहीं मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या
हाँ, क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई। क्या? मैं चलता हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है।